भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। उपमंडल चवाली के अधीन पोंग बांध के बीच स्थित पांडवों द्वारा निर्मित बाथू दी लड़ी में रोजाना सैकड़ों लोग आ रहे हैं तथा पोंग झील की गहराई को जाने बिना बल तैराकी न जानने के बिना ही गहरे पानी में नहाने उतर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है। लेकिन चवाली प्रशासन व पुलिस कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। रोजाना सैकड़ों लोग हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब इत्यादि से बाथू दी लड़ी में आ रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है। बाथू दी लड़ी के पास ही काफी गहरा पानी है तथा बाहर से आने वाले अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पानी में नहाने के लिए उतर रहे हैं तथा ऐसे में कोई भी कभी भी नहाते हुए पानी में डूबकर मौत का ग्रस्त बन सकता है। इसके अलावा बाथू दी लड़ी की ऊंची मीनार पर लोग चढ़ रहे हैं तथा ऐसे में कोई भी ऊंची मीनार से गिरकर मौत का ग्रास बन सकता है। पिछले 3 सालों की बात की जाए तो पोंग झील में बाथू दी लड़ी को देखने आए करीबन 6-7 लोगों की मौत डूबने से हो चुकी है। इसके साथ ही कोई न कोई गायक शूटिंग के लिए बाथू की लड़ी में आ रहा है, तब भी काफी भीड़ एकत्रित हो जा रही है। मंगलवार को भी बाथू की लड़ी में पंजाबी गायक निंजा गाने की शूटिंग करने पहुंचे तथा इसकी खबर सुनते ही काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। आखिरकार इनको शूटिंग की अनुमति दे कौन रहा है? प्रशासन इनको पूछ क्यों नहीं रहा है? ये सब सवाल उठ रहे हैं। बुद्धिजीवियों ने जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति से मांग की है कि जवाली प्रशासन को बाथू दी लड़ी में जाने वालों को रोकने के निर्देश दिए जाएं ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। इस बारे में जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जवाली प्रशासन को सख्त निर्देश दिए जाएंगे तथा ये भी निर्देश दिया जाएगा कि अगर कोई वहां जाने से नहीं रुकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि डीएसपी जवाली को भी गश्त लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए जवाली से अनिल शांगू की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।